राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टमाटर का मुरब्बा। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो टमाटर। टमाटर को धुल लिया है और इसे लंबे लंबे पीस में काट लिया है। और हमने यहाँ पे एक गुड़ लिया है। यहाँ पर दो चम्मच धनिया लिया है, एक चम्मच सौंफ, चार लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा। अब हम इन मसालों को भून लेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इन सभी मसालों को एक साथ तवे में डाल देंगे और स्लो आंच करके हम इसे भूनेंगे। इन मसालों को हमें चलाते रहना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और मुरब्बे में स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए मसाले में से खुशबू आने लगी है। तो अब हम मसाले को निकाल लेते हैं और इसके बाद जो हमने चार मिर्च रखी थी उसे भी भून लेते हैं। मिर्च भून चुकी है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। सभी मसालों को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। मसाला पिस चुका है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, उसके बाद हम चार लहसुन की कलियां डालेंगे और हम इसे लाल होने तक चलाएंगे। तो मसाला लाल हो चुका है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब हमने जो टमाटर काट के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और चलाएंगे। हमने मसालों को और टमाटर को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत कम नमक डालेंगे। नमक इसलिए हम डालेंगे कि हमारे टमाटर जो है वो गल जाएं। और यहाँ पर दोस्तों हमें टमाटर लाल ही लेना है। लाल लेने से टमाटर का मुरब्बा जो है वो बहुत अच्छा बनता है। इसे मिलाने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा टमाटर गल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा टमाटर जो है वो गल रहा है बहुत अच्छे से और टमाटर पानी भी छोड़ दिया। अब हमने जो मसाला तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और फिर मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें जो गुड़ रखा था उसको डाल देंगे और फिर इसे भी मिलाएंगे। अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमने गुड़ को यहाँ पर अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी बहुत कम डालेंगे क्योंकि टमाटर में तो पानी खुद ही निकलता है, तो इसलिए हम इसमें बहुत कम पानी डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे से गल गया है और जो हमने गुड़ डाला था वो भी गल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं और इसे आप 2-3 दिन तक रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।